हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत लंबे टाइम बाद मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ और ये ब्लॉग है अप्रैल का। अप्रैल में मैंने इसे बनाया था बट अभी मैं इसे जून में अपलोड कर रही हूँ। मतलब अभी मैं वापस मुंबई आ चुकी हूँ और ये जब मैं मुंबई से गोरखपुर जा रही थी तब का ये वीडियो शूट करके मैंने रखा था। तो बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग है और ये जो हमारा मुंबई टू गोरखपुर ट्रेन का सफ़र 33 आवर्स का होता है वो हमने 2 घंटे में तय किया, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ा और इस सफ़र में मैं और मेरी बेटी मेरे साथ थे, बाकी और कोई भी नहीं था। तो अभी हम इंडिगो की जो भी काउंटर्स है उस पर आ गए हैं और यहाँ पर लोगों की चेकिंग चालू है, तो हम भी उसी लाइन में हैं और हमारा भी नंबर आ चुका है और हमारा भी लगेज चेक हो रहा है और प्रोसेस चालू है। इसके बाद मैं अपने पास केवल हैंडबैग रखी ताकि हम आराम से अंदर घूम सकें और यह वहाँ की कुछ क्लिप्स जो हमने आद्या के साथ निकाली थी वो भी काफ़ी इन्जॉय की, क्योंकि इससे पहले वो एक बार फ्लाइट में सफ़र की है बट वो तभी 1 साल की थी, तो अभी उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ऐसा लगा कि जब फ्लाइट के अंदर जाएगी तो वो काफ़ी इन्जॉय करेगी, लेकिन कुछ हुआ कुछ उल्टा ही। और ये है एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा। अभी हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट के पास जहां हमारी फ़्लाइट लगी हुई है, तो वो गेट पे हम जाएंगे और वो गेट पे इसे देखना है कि हमें वॉकिंग फ़्लाइट तक जाना होता है या फिर उनके अंदर की बस होती है। तो वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि हमें बस से फ़्लाइट तक छोड़ेंगे क्योंकि अंदर ही थोड़ी दूरी थी, तो उन्होंने अपने बस से छोड़ा, ये फ़्लाइट तक हमें आसानी से छोड़ देगी। और ये सामने से यहाँ का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और अभी हम लोग पहुँच गए अपने फ़्लाइट के पास, फ़्लाइट लग चुकी है और इसमें हम आगे से और पीछे से दो तरह से एंट्री लेते हैं। तो हमने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद यही था कि आद्या बहुत इन्जॉय करेंगी। हमारा सीट विंडो सीट नहीं था, उसके बाद भी एक भैया ने आद्या को विंडो सीट अपना दे दिया और वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हमारी सीट पे। लेकिन फिर भी जब आद्या उधर जब नीचे देखती थी तो उसको बहुत ही वोमिटिंग चक्कर जैसा आता था, तो वो नहीं देखी और पूरा जर्नी पूरे 2 घंटा वो अपना हेड डाउन करके आई। तो ये है अंदर का, अंदर से बाहर का नज़ारा, जब हमारी फ़्लाइट बिल्कुल उड़ान भर लेती है तो कैसा दिखता है, बादल कैसा दिखता है, तो ऐसा है ये पूरा अंदर और बाहर का नज़ारा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब गोरखपुर नज़दीक आता है तो कैसे नीचे का शहर दिखता है। और गोरखपुर के जो लोग होंगे उनको पता होगा कि गोरखपुर में कुसमी जंगल है, तो वो जंगल ऊपर से बहुत खूबसूरत दिखता है। और ये जो भी आप नज़ारा देख रहे हैं ये गोरखपुर शहर है और ये शहर का पूरा नज़ारा दिख रहा है। और इसमें जो भी आपको ऐसे ज़मीन ज़मीन जैसे दिख रही है ये वहाँ की लैंड है। और अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ आपको दिखेंगे, तो वो है कुसमी जंगल। कुसमी जंगल बहुत ही घना जंगल है और बहुत ही फेमस है, तो वो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे में ये हमारी फ़्लाइट नीचे लैंड कर जाती है और ये जो एक खुशी है कि 2 घंटे में ही हम पहुंच जा रहे हैं और वो भी मायके पहुंच रहे हैं, तो वो खुशी बहुत ही अमेजिंग खुशी है, उसको मैं आपसे बयान नहीं कर सकती।